मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, कदम चूम लेती है खुद बर के मंजिल। आज मैं ऐसे कानून के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, वाकई ये बिहार के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, जिस कानून का नाम है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016। ये ऐसा कानून है कि अगर कोई भी जो सर्वसाधारण नागरिक है इस बिहार स्थित, वो बिना फीस दिए हुए अपना परिवाद दायर कर सकते हैं। अब चूंकि इस कानून का मकसद ही है जो सर्वसाधारण है उनका शिकायत एक समय सीमा के अंदर उनका निराकरण किया जाए, ये कानून 5 जून 2016 से लागू है। शायद आप लोगों को जानकारी होगा, इससे पहले बिहार में एक जन शिकायत कोषांग हुआ करता था, जिसमें जो भी ऑफिसर हुआ करते थे एक समय मुकर्रर करके लोगों का फरियाद सुना करते थे। 2016 में उस जन शिकायत कोषांग को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर एक नया अधिनियम लागू किया गया, जिस अधिनियम का नाम है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016। इस कानून का मकसद ही है जो सर्वसाधारण नागरिक हैं उनका शिकायत का निराकरण हो। इसके तहत सरकारी कोई भी स्कीम है उसमें अगर आपको देरी हो रहा है, अगर उसमें ऑफिसर द्वारा सही से संचालन नहीं हो रहा है, तो उसमें आप परिवाद दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि से संबंधित कुछ विवाद हैं, जैसे मापी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये सब इसके तहत आते हैं। और यहाँ तक कहा जाए तो कोई भी फरियादी अगर इसमें फरियाद दाखिल कर देते हैं तो उनका फरियाद का निराकरण होता है। अगर उनके टेरिटोरी में या उनके विभाग से संबंधित ये नहीं रहता है तो उचित फोरम में वो लिखते हैं कि ये अमुक फोरम में जाए, उसका निराकरण वहाँ हो सकता है। ये बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 ये ऐसा नियम है कि कोई साधारण आदमी का ऐसा कहा जाए जो कोई साधारण आदमी जहाँ पर वो अवस्थित है उनका जो अनुमंडल है, अनुमंडल में एक फ्री काउंटर बनाया गया है परिवाद दर्ज करने के लिए, वहाँ एक पैसा नहीं लगता है। पहले से वहाँ फॉर्मेट तैयार रहता है, फरियादी को दिया जाता है, फरियादी भर के वहाँ जमा करते हैं और उनको एक रसीद दिया जाता है जिसमें परिवार की अनंत संख्या मेंशन रहता है, अगला तारीख मेंशन रहता है और आगे का तारीख जो भी है मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, नेट के माध्यम से खुद भी जांच किया जा सकता है। ये ऐसा कानून है। तो इस ये कानून में और जो चौंका देने वाले फायदे हैं, इस कानून का निपटारा इसमें आदेश 60 कार्य दिवस के अंदर होता है। तो अगर कोई भी अनुमंडल में परिवाद दायर करते हैं उनका सुनवाई होता है, अगर सुनवाई से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो अपील जिला लेवल पर दायर कर सकते हैं। जिला में भी जिला लोक शिकायत निवारण का काउंटर वहाँ मौजूद रहता है, बिना पैसे के जाएंगे काउंटर पर देंगे उनका आवेदन, वहाँ पे परिवार संख्या उनका लॉज कर लिया जाता है। वहाँ पे सुनने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। अगर ऐसा कहा जाए जो उपसमाहर्ता महोदय उसके लिए मुकर्रर रहते हैं, अगर उससे भी परिवार अगर संतुष्ट नहीं है तो वो डायरेक्ट द्वितीय अपील में जा सकते हैं जहाँ पे डीएम साहब डायरेक्ट सुनवाई करते हैं। तो ये एक ऐसा कानून है, इसमें जो भी है सीओ साहब है, वीडियो साहब है या और आपका जिनके प्रति शिकायत है वो डायरेक्ट वहाँ मौजूद रहेंगे। इस कानून के अंतर्गत अगर आप जाते हैं अनुमंडल में, आपका किसी कारणवश अगर वहाँ पे जो भी शिकायत लेने वाले हैं या जो भी कर्मचारी आपका शिकायत नहीं लेते हैं, तो मुख्यालय राज्य सरकार का जो मुख्यालय है सूचना भवन पटना, आप वहाँ जाके ये शिकायत को दर्ज कराइए। वो शिकायत
आपको दर्ज कर लेंगे और कंप्यूटर के माध्यम से आपके अनुमंडल में भेज देंगे, आपका शिकायत का जो भी है निपटारा होगा। इसके अलावा अगर जैसे क्या है, अगर आप अपना आवेदन प्रधानमंत्री के यहाँ देते हैं, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ देते हैं, या कहीं भी अगर आप अपना आवेदन भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, चूंकि जन शिकायत कोषांग को खत्म कर दिया गया है, तो कोई भी आवेदन आपका डायरेक्ट सूचना भवन पटना आएगा और वहां से जो भी है विभाग में आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये ऐसा कानून है कि कहने वाले ने कहा था, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, तो मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल। ये लोक शिकायत निवारण एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है कि मैं श्रोता जो भी है श्रोता को बता दूं, अगर आपका जमीनी विवाद है, अगर आपका आप थाना जा रहे हैं, थाना प्रभारी महोदय अगर आपका शिकायत नहीं सुन रहे हैं, तो आप उनको भी इसमें पार्टी बना सकते हैं कि अमुक मैटर है, इसमें थाना प्रभारी द्वारा या जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा सहयोग करने के संबंध में। वो क्या, आप जब परिवाद जब आप दायर कर देते हैं तो उनके पास नोटिस जाता है और वो समय सीमा के अंदर आएंगे, आपका फरियाद सुनेंगे और जो भी है आपका निवारण होगा। तो ये इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी निर्गत किया गया है, अगर कोई चाहे तो टोल फ्री नंबर पर भी आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो शिकायत नंबर है 1800-34-56-284। ये टोल फ्री नंबर है, आपको कोई जानकारी लेना है तो मुख्यालय से इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ये बिहार लोक शिकायत निवारण एक ऐसा मील का पत्थर बिहार के लिए साबित होने जा रहा है कि कोई भी फरियाद आप बैंक से संबंधित शिकायत, रोड से संबंधित शिकायत आप वहां दर्ज कर सकते हैं और आपका इसके तहत सुनवाई होगा। तो इसका उद्देश्य ही है जो सर्वसाधारण में, चूंकि सरकार द्वारा एक ऐसा सर्वे किया गया है जिसमें पता चला ज्यादातर जो मामला होता है मारपीट होता है, दंगा फसाद होता है, उसमें भूमि के विवाद की वजह से होता है। तो इसके लिए भी वहाँ जगह है, आप चाहे तो वहाँ इससे संबंधित भी फरियाद दायर कर सकते हैं। तो अभी तक मेरा अनुभव कहता है कि जनता में देखा जाता है उनको जानकारी का अभाव है और वो अभाव के वजह से कहाँ उनका उचित फॉरम है वो जान नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं जो भी देखने वाले हैं उनको इस अधिनियम के बारे में बता दूं कि आपको किसी से भी अगर किसी प्रकार का गिला शिकायत है तो आप ये शिकायत डायरेक्ट आप अपना जो अनुमंडल है आप वहाँ जाकर अपना, वहाँ फॉर्म रहता है, फॉर्म लेकर आप शिकायत दर्ज करा दें। किसी कारणवश अगर वहाँ आपका आवेदन लेने से अगर कोई इनकार करते हैं तो आप डायरेक्ट पटना चले जाइए, पुनाई चक नया विकास भवन उसके जस्ट अपोजिट सूचना भवन है, आप वहाँ काउंटर खुला हुआ है, काउंटर पर जाएंगे आपको आवेदन मिलेगा, आप आवेदन में जो भी आपका शिकायत है भर के देंगे, वो आपको रसीद देंगे, आप रसीद ले लीजिए, कंप्यूटर के माध्यम से देखते रहिए और मैं समझता हूँ कि आपका 60 कार्य दिवस के अंदर समस्या जो है उसका समाधान होगा, बशर्ते कि आपको कंसस रहना होगा, सावधान रहना होगा। एक बात मैं और बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो केस जो होता है केस डिपेंड करता है सबूत पे, अगर सबूत तरीके से जुटाया जाए, अगर तरीके से अपना पक्ष रखा जाए तो मैं समझता हूँ इसमें हतोत्साहित होने का कोई जरूरी नहीं है, समस्या का समाधान निश्चित ही होता है। और ये नीतीश कुमार सरकार का मैं कहूँ तो ये अधिनियम उनका जो कार्यकाल का मेरे समझ से ये सबसे अच्छा अधिनियम बना है, सबसे अच्छा कानून बना है कि कोई भी अधिकारी अगर आपका काम अच्छा से नहीं कर रहे हैं, आपका कोई भी सरकारी कार्यक्रम जो भी सेवा है अगर उसमें विलम्ब हो रहा है, जैसे शौचालय निर्माण हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया या राशन से संबंधित शिकायत है, आप इस परिवाद के माध्यम से आप दर्ज कर सकते हैं और आपका 60 कार्य दिवस के अंदर इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो मैं निष्कर्ष इस कानून के बारे में ये बताऊं कि जो भी व्यक्ति अगर वो समाज के किसी भी व्यक्ति से कहें या किसी भी सिस्टम से कहें परेशान है, उनको हतोत्साहित होने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अनुमंडल जहाँ भी आपका है अनुमंडल जाएँ और लोक शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय है वहाँ अपना शिकायत दर्ज कराएं। अगर किसी कारण वह शिकायत नहीं ले पाते हैं तो इसके लिए आपका राज्य सरकार ने सूचना भवन में आपके लिए काउंटर बना दिया है, आप डायरेक्ट जाएंगे, आपका डायरेक्ट आवेदन लेगा, किसी तरह से आपका कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और फिर वही आपका आवेदन
कंप्यूटर के माध्यम से आपके अनुमंडल में आएगा और विधिवत सुनवाई हो जाएगा। और तो और ऐसा देखा जा रहा है कि अभी कोई भी आम जनसाधारण अगर आवेदन आप गृह विभाग देते हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ भेजते हैं, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भेजते हैं, तो वहाँ से आपका डायरेक्ट सूचना भवन आता है और सूचना भवन आपके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेज देता है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उस पर सुनते हैं, आदेश पारित करते हैं, उसके बाद प्रथम अपील माननीय कमिश्नर के यहाँ फाइल किया जाता है, द्वितीय अपील माननीय मुख्य सचिव के यहाँ फाइल किया जाता है। मैं समझता हूँ मेरा अभी तक का जो अनुभव है, किसी प्रकार का सेवा रहता है तो उसका निवारण हो जाता है। इससे पहले कि मैं आपको एक घटना बताऊँ, मेरा खुद का एक जमीन का मुझे मापी करवाना था, जिसमें मापी हो चुका था, लेकिन क्या था, सामने वाला पार्टी हरासमेंट कर रहा था। इसके लिए मैंने क्या किया, थाना अध्यक्ष महोदय मोहिंदी नगर को पार्टी बनाया और मैंने लिखा कि अमुक जमीन में घेराबंदी कराने में सहयोग करने के संबंध में थाना प्रभारी महोदय को नोटिस निर्गत किया गया और उस समस्या का समाधान जो है निश्चित समय सीमा के अंदर हो गया, जिससे मैं अपने आप को सेफ महसूस किया और इस अधिनियम के बारे में मुझे जानकर इसका लाभ उठाकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये वीडियो जो भी सुनेंगे देखेंगे, मेरा आपसे ये कहना है, जो अगर आपको लगता है जो आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है किसी भी स्कीम में किसी भी मुद्दे पर, तो आपके लिए लोक शिकायत निवारण काउंटर है, आप वहाँ डायरेक्ट चले जाइए। अगर वहाँ नहीं जा पाते हैं तो आप डायरेक्ट सूचना भवन पटना जाइए, वहाँ अपना परिवार दर्ज कराइए और आपका समस्या का जो है 60 कार्य दिवस के अंदर आपका समाधान होगा, बशर्ते कि आप जो भी लड़ाई लड़ें कानून के साथ लड़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं कहना यही चाहूँगा, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 बना है, इसमें आपको किसी तरह का किसी की भी वकील को इंगेज करने का कोई भी जरूरत नहीं है, फी देने का कोई जरूरत नहीं है। आपका जो भी मांग है, आपका जो भी शिकायत है, जिलाधिकारी महोदय या अनुमंडल पदाधिकारी महोदय उनके माध्यम से आपका निःशुल्क सुना जाएगा। और यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपका धन्यवाद।